हरे कृष्णा। मैं सभी दर्शकों को तो कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा। क्या आपने देखा? अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, लाइक शेयर भी किया होगा। और आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि किस तरह से आप अपने माइंड को कंट्रोल में रख के अपने जो काम है उसको कंप्लीट कर सकते हो, संपूर्ण कर सकते हो। उन चीज़ों को आप दिमाग में रख के अपना जो कार्य है, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप सर्विस में हो, बिजनेस में हो, आप उनको संपन्न कर सकते हो, राइट। उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी काम को कंप्लीट करना मेन गोल होना चाहिए हम सबका, राइट। तो उसको आप कंप्लीट कर लो, ऐसा नहीं कि प्रोक्रेस्टिनेट करके बीच में छोड़ दो। तो इसीलिए मन का, बुद्धि का और ज्ञान का होना बहुत ही ज़रूरी है, एक सामंजस्य में बैठना। तो उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य और अपना जो वीर शक्ति और अपना जो मन है उसको एक जगह लगाना बहुत ज़रूरी है। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करके जाना, राइट। ग्रोथ होने में हेल्प होती है इस चैनल जो है, अच्छी कंटेंट जो है ग्रोथ होने में हेल्प होती है। जब आप लाइक शेयर करते हो तो एल्गोरिथम को लगता है कि यस, पीपल आर लाइकिंग दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में बताऊंगा कि हनुमान चालीसा के कौन कौन से, मतलब तीन बेनिफिट्स बताऊंगा आपको, और बहुत ही कारगर बेनिफिट्स हैं जो मैंने फील किया है, राइट। तो हनुमान चालीसा के बेनिफिट्स अगर आपको पता है तो भी फिर भी देखिए, आप नहीं पता है तो भी आप देखिए, बिकॉज बहुत ही अच्छी जो तीन, मतलब यू नो मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने फील की है वो आपको मैं बताऊँगा, राइट। देखिए हनुमान चालीसा को तो आप कभी भी पढ़ सकते हो, लाइक किसी भी दिन पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मंगलवार को, शनिवार को। मैं जो है तो पहले रोज़ पढ़ा करता था, अब शनिवार और मंगलवार को पढ़ता। तो इन दो दिनों को पढ़ने से आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, बट अगर आप रोज़ इसका पाठ करोगे तो आपको ये तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये तीन चीज़ें हैं, पहली हैं आपको ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस मिलती है। ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस मतलब आप किसी के सामने भी झुकोगे नहीं, डरोगे नहीं, आप सीधा जाओगे, अपना जो है ओपिनियन रख के बोलोगे कि नहीं, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि यही है, यही होगा और ऐसा ही चलेगा। तो सामने वाला भी प्रभावित होता है आपसे। चैंटिंग से आपके अंदर हनुमान जी की तरह कॉन्फिडेंस आएगा। हनुमान जी ने किस कॉन्फिडेंस की तरह छलांग मारा था और कहा था कि बताओ करना क्या है, मैं करूँ क्या, मैं क्या पर्वत उठा लाऊँ, त्रिकूट पर्वत, पूरा रावण को उठा के मसल के आ जाऊँ, मतलब उन्होंने ऐसा बोला था बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस। वैसे तो रामायण वो अकेले ख़त्म कर सकते थे, राइट, उनके पास इतना शक्ति था। तो एटलीस्ट उसका कुछ परसेंट कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है ना, तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप पढ़ाई में हो, आप एथलीट हो, आप सर्विस बिजनेस, आप सब चीज़ में कॉन्फिडेंस को अप्लाई करके लोगों को प्रभावित करके प्रॉफिट में रहोगे हमेशा। दूसरा जो चीज़ है, आपका डर ख़त्म हो जाएगा, राइट। डर किसी भी चीज़ का डर, वो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, दैट्स वन फैक्टर, वो तो है ही। भूत पिशाच से तो आप मतलब डरोगे तो नहीं, मतलब आपके अंदर वो निर्भीकता आएगी। आप किसी भी जगह जाओगे आपको डर लगा रहता है कि अब आगे क्या होगा, अब मतलब मैंने कुछ ये किया है तो कुछ गलत तो नहीं होगा। उस चीज़ का भय जो है ना, वो एक कॉन्फिडेंस से ही आप जोड़ के देखो तो वो भय चला जाएगा, राइट। वो भय तो जाएगा ही, प्लस आप किसी भी चीज़ को करने के लिए दो बार सोचोगे नहीं, मतलब दो बार सोचना ज़रूरी है, इसमें प्रॉफिट है या लॉस है, बट आप मतलब कर डालोगे उसको, मतलब आप बोलोगे कि करना क्या है मेरे को, आप जस्ट बताओ मुझे करना क्या है, आई डू दैट। तो वो जो है निर्भीकता आपके अंदर डेवलप होती है। भगवान इतने निर्भीक थे, भगवान हनुमान जी इतने निर्भीक थे कि वो किसी भी चीज़ को मतलब सोचते नहीं थे कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, बस होगा। तो उनके ब्रेन में वो चलता था, तब जाके उन्होंने सीता माता का पता लगाया, मतलब यू नो ही जंप फ्रॉम वन पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड यू वेंट टू लंका, राइट। तो उन्होंने सोचा नहीं कि मैं जंप मारूंगा, मैं पहुंचूंगा कि नहीं, बीच में गिर जाऊंगा, कौन मिलेगी, क्या मिलेगी, सुरसा मिली, सिंगर नहीं मिली, सबको मारा, लंका गए, राइट। तो वो जो डर है आपका वो ख़त्म हो जाएगा, और आप किसी भी क्षेत्र में हो आप कॉन्फिडेंस के साथ, आप निर्भीकता के साथ आगे बढ़ोगे और अपना काम कंप्लीट करोगे, राइट। थर्ड और आखिरी जो मुझे मिला, जो मैंने फील किया हनुमान जी को याद करके और पढ़ाई करके, उनका चैंटिंग करके, कि किसी भी क्षेत्र में अगर हो ना, किसी भी क्षेत्र में हो तो ब्रह्मचर्य आपका मेंटेन रहता है और उस क्षेत्र में आप नंबर वन बनते हो, राइट। नंबर वन बनते हो और आपके पीछे मैक्सिमम रहेंगे, आपसे आगे तो बहुत रहेंगे, पीछे आपसे मैक्सिमम रहेंगे, और आप उस मतलब 5-10% में जाओगे जो मतलब कोई डरता नहीं है, मतलब कोई मतलब एक सोच नहीं रखता है कि मैं हार जाऊंगा। आपके अंदर ज़बरदस्त का कॉन्फिडेंस और निर्भीकता और ब्रह्मचर्य पालन करने का वो टेक्निक आ जाएगा आपके अंदर, और आप मन से बलशाली बनोगे। आई यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आप मतलब इतने सक्सेसफुल के राह पे चलने लगोगे कि आपको नेगेटिव और मतलब जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स है ना, वो ऐसे लगेंगे कि मतलब ये क्या है, मतलब व्हाट द हेल आर दीज थिंग्स, राइट। आप इन सबको मतलब सोचोगे कि ये तो मैंने मतलब नीचे का एक मतलब यू नो ज़मीनी स्तर का एक कीड़ा मकोड़ों की तरह है ये, इनको हम क्यों प्लेजर की तरह ले रहे हैं, आप वो चीज़ सोचते हो, राइट। उस चीज़ को आप भुला के आप फिर अपना जो है वो 5-10% जो इंसानों का, जो सक्सेसफुल इंसानों का जो क्लब है, उस पर आप आगे बढ़ते हो और सक्सेसफुल होते हो। मैंने वो चीज़ फील की है कि मुझे अब ज़मीनी स्तर का मतलब कोई मतलब ऐसा मतलब लड़की ये वो देखना, खाना पीना, अब मुझे जीभ में भी कंट्रोल है मेरे, मैं मतलब मैं जो सोचता हूँ मैं वो कर सकता हूँ, मैं जो
मुझे खाना है मैं वो मंगा सकता हूँ, मुझे सात्विक खाना है सात्विक खाऊंगा, मुझे कुछ देखना है अच्छा मैं अच्छा देखूंगा, तो ये कंट्रोल आपके अंदर आ जाती है हनुमान चालीसा पढ़ने पे, क्योंकि आपका मन बलवान हो जाता है। तो सब कुछ है आसान, राइट? मन बलवान तो सब कुछ है आसान। तो आपके अंदर डर नहीं रहेगा, ज़बरदस्त सा कॉन्फिडेंस रहेगा। आप कहीं भी जाओ, कोई भी आपको कुछ बोल नहीं पाए, कुछ बोलेगा भी तो आप उसका काउंटर आंसर कर पाओगे और वो प्रभावित हो जाएगा, राइट? तो इंटरव्यूज़ में बहुत हेल्प करता है। अगर आप जॉब के लिए सीख कर रहे हो तो हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करना और मेरे वीडियोस को हमेशा देखना, आपका सब कुछ क्रैक हो जाएगा। हरे कृष्णा।